हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर टू। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लेक्चर टू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भिन्न आकृति परीक्षण या डिफरेंस शेप टाइप क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, डिफरेंस शेप टाइप क्वेश्चंस में आपको चार आकृति दी हुई होती है, जिसमें एक आकृति डिफरेंस होती है, यानी भिन्न होती है, उसको आपको पहचानना होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप एग्जांपल वन में देख सकते हैं, आपको फोर टाइप्स शेप्स आपको दिखाए गए हैं, इसमें एक फिगर आपको डिफरेंस है। तो दोस्तों, उसको ही आपको जानना है, उसको ही पहचानना है, और वो ही आपका आंसर है। तो दोस्तों, एग्जांपल वन में आप देख सकते हैं, फिगर नंबर वन, ट्राइंगल दिखाया गया है आपको, और ट्राइंगल के अंदर ये एक छोटे ट्राइंगल भी दिखाया गया है। और दोस्तों, फिगर नंबर टू में आपको हेक्सागोनल दिखाया गया है, और उसके अंदर भी एक छोटा हेक्सागोनल है। दोस्तों, फिगर नंबर थ्री में आपको एक फाइव एंगल यानी पांच भुजाकार और उसके अंदर एक ट्राइंगल दिखाया गया है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर चार में आपको एक सर्कल दिखाया गया और उसके अंदर एक छोटा सर्कल दिखाया गया। तो फ्रेंड, इसमें तीन नंबर फिगर आपका डिफरेंस फिगर है, डिफरेंस शेप है। तो दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, आज हम लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं फ्यूचर में भी नई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में आप देख सकते हैं, दो हाफ सर्कल, एक का इधर फेस है, एक का इधर फेस है, और दो का इधर फेस है और इधर फेस है। दोस्तों, ऐसा ही फिगर नंबर थ्री में दिखाया गया, और ऐसा ही फिगर नंबर फोर में, दो का इधर फेस है, दो का नीचे फेस है। तो दोस्तों, इसमें आपका फिगर वन डिफरेंस फिगर है, डिफरेंस शेप है, क्योंकि इसमें दो इधर है तो दो नीचे हैं, दो इधर है तो दो नीचे हैं, दो इधर है तो दो नीचे हैं। दोस्तों इसमें आपका एक नंबर फिगर आपका डिफरेंस फिगर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर दो में फ्रेंड्स आपको एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक एरो है, और ऐसे ही फिगर टू में, और ऐसे ही फिगर थ्री में, ऐसे ही फिगर फोर में। तो आपको इस दोस्तों फ्रेंड्स आपको इसमें डिफरेंस फिगर आपको बताना है, भिन्न आकृति आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स, इस सर्कल के अंदर जो एरो है वो आपको इधर दिखाया गया है, ऊपर इसमें ऊपर दिखाया गया है, और दोस्तों इसमें भी आपको इधर दिखाया गया, और इसमें नीचे दिखाया गया है, और दोस्तों इसमें आपको भी इधर दिखाया गया है, और ये वाला एरो आपको इधर दिखाया गया है लेफ्ट में, और इसमें भी लेफ्ट में, और ये वाला एरो फ्रेंड्स ऊपर है। तो दोस्तों, इसमें आपका तीन नंबर फिगर आपका डिफरेंस फिगर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये चारों चारों फिगर्स में चारों एरो राइट साइड में है, और ऊपर वाले सर्कल में या तो ऊपर एरो है, नीचे एरो है, इसमें आपका लेफ्ट में दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपका तीन नंबर आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीन पे। तीन पे एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल, और छोटे सर्कल के ऊपर एक कर्व दिखाया गया है। दोस्तों, इसमें बड़े वाले सर्कल पे आपको कर्व दिखाया है, और इसमें छोटे सर्कल पे, और इसमें भी छोटे वाले सर्कल पे। दोस्तों, इसमें दो नंबर फिगर आपका आंसर हो जाएगा, डिफरेंस फिगर हो जाएगा। दोस्तों,
फ्रेंड्स देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, फ्रेंड्स फर्स्ट में आपको सर्कल के अंदर, एक सर्कल के इनसाइड में एक छोटा सर्कल है दोस्तों, स्क्वायर के इनसाइड में एक छोटा स्क्वायर है, तो ट्राइंगल के अंदर ही ट्राइंगल है दोस्तों, इसमें स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है। तो फ्रेंड्स ये आपका डिफरेंस फिगर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स आपको ये एक स्क्वायर के टाइप में ऊपर कट ऊपर की डायरेक्शन में है, और ये वाला राइट की डायरेक्शन में है, और ये भी राइट डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में। और फ्रेंड्स इसमें नीचे की डायरेक्शन में है, इसमें राइट डायरेक्शन में, इसमें लेफ्ट, और इसमें ऊपर की डायरेक्शन में है। और दोस्तों इसमें भी एक राइट डायरेक्शन में, एक नीचे की डायरेक्शन में है, एक लेफ्ट डायरेक्शन में, एक ऊपर डायरेक्शन में है। और दोस्तों 4 नंबर में एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, एक ऊपर है, एक नीचे है। तो फ्रेंड्स जैसा कि इन तीनों फिगर्स में आपको चारों डायरेक्शन में खुला हुआ है, चारों डायरेक्शन में इनका खुला हुआ है, ऊपर से कट है, और इस वाले में केवल दो ही डायरेक्शन में है। तो फ्रेंड्स ये आपका डिफरेंस फिगर हो जाएगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन में आपका सर्कल, सर्कल के अंदर ये 4 पार्ट्स में आपके डिवाइड है, और ऐसे ही स्क्वायर में 4 पार्ट्स में डिवाइड है। और फ्रेंड्स तीसरे से तीसरे फिगर में भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, बट फ्रेंड्स इस वाले सर्कल में केवल 2 ही पार्ट्स में डिवाइड है। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस फिगर आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वाले में आपका इसमें शैडो है, और इसमें भी शैडो है, यानी ये वाला ये पार्ट्स कॉर्नर वाला है, और ये कॉर्नर के सेकंड वाला। और फ्रेंड्स इस वाले में इसमें शैडो है और इसमें शैडो है, यानी दोनों डिफरेंट पार्ट्स में शैडो है। फ्रेंड्स 3 नंबर में भी इसमें शैडो है और इसमें शैडो डिफरेंस में है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका इसी पार्ट्स में इधर में शैडो है और इसी पार्ट्स में इधर में शैडो है। फ्रेंड्स आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स फर्स्ट में आपको ऐसे करके दिया हुआ है, और इसमें नीचे एक लाइन दी गई है अंदर इसमें। फ्रेंड्स ऐसे ही इसमें भी एक लाइन दी गई है अंदर, और ऐसे ही फ्रेंड्स इसमें भी लाइन दी गई है, और ऐसे ही फ्रेंड्स इसमें भी लाइन दी गई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको अंदर लाइन है, और ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये बाहर की तरफ लाइन है। फ्रेंड्स 2 नंबर में अंदर की तरफ लाइन है, और फ्रेंड्स इसमें भी बाहर की तरफ लाइन है। फ्रेंड्स 4 नंबर में भी बाहर की तरफ ही लाइन है। फ्रेंड्स 3 नंबर फिगर आपका डिफरेंस फिगर हो जाएगा। फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। 9 नंबर में फर्स्ट में यहाँ से इसको सेक्शन किया गया है, और इसमें ऊपर यहाँ से सेक्शन किया गया है, और नीचे 2 नंबर में फ्रेंड्स इसको यहाँ से सेक्शन किया गया है, और इसको यहाँ से सेक्शन किया गया है। फ्रेंड्स 3 नंबर में इसको सेंटर से सेक्शन किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें नीचे से किया गया है, जस्ट सेंटर से सेक्शन किया गया। तो फ्रेंड्स इसमें आपको दिखाया गया है लगभग हर सर्कल में, हर जो लाइन दी हुई है, सो रेडियस इक्वल है, इक्वल लाइन है, वो इक्वल रेडियस डाय आपको दिखाई, इक्वल रेडियस दो सभी में दिखाई। और इसमें फ्रेंड्स ये वाला जस्ट सेंटर से पूरा डायमीटर दिखाएगा, और ये छोटी लाइन है। फ्रेंड्स ये आपका डिफरेंस फिगर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसे ऊपर इसमें दो छोटे छोटे गोले दिखाए गए हैं, एक नीचे, और एरो इधर की साइड दिखाया गया। फ्रेंड्स सभी में एरो राइट साइड में ही है, और ऊपर से भी एरो सभी में लगभग सेम है। फ्रेंड्स इसमें डिफरेंस हो जाएगा, इसके अंदर 2 सर्कल हैं छोटे, और एक बाहर है, 2 सर्कल इसमें भी अंदर छोटे हैं, एक बाहर है। फ्रेंड्स इसमें भी 2 सर्कल अंदर है और एक बाहर है। फ्रेंड्स इसमें 2 सर्कल बाहर है और एक अंदर है। फ्रेंड्स 4 नंबर आपका डिफरेंस यानी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट आपको
फर्स्ट का जो एरो है ये इधर है, ये भी इधर ही डायरेक्शन में है, और फिर सेकंड नंबर में दोनों एक दूसरे के अपोज में दोनों का एरो है, और फ्रेंड इसमें भी एक दूसरे के आमने सामने एरो है, फ्रेंड इसमें भी आमने सामने ही दोनों एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्रेंड्स इसमें दोनों ही क्लॉकवाइज हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट आपका डिफरेंस यानी आंसर है। फ्रेंड्स बात करने वाले 12 नंबर क्वेश्चन पे, तो फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चंस में आपको सर्कल के अंदर एक बिंदी दी हुई है, पॉइंट दिया गया है, और ऐसे ही इसी में पॉइंट है फ्रेंड्स, ऐसे ही इसमें भी पॉइंट है, और ऐसे ही सभी में पॉइंट है फ्रेंड्स। इसमें आपको एक बाहर को लाइन दी गई है, और इसमें भी फ्रेंड्स बाहर को है, इसमें फ्रेंड्स अंदर लाइन, अंदर की डायरेक्शन में लाइन दी गई है फ्रेंड्स, इसमें भी आपको बाहर की डायरेक्शन में लाइन दी है फ्रेंड्स, आपका 3 नंबर आंसर हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स फर्स्ट में आपको बाहर को थोड़ा सेक्शन कटा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें फ्रेंड्स अंदर की साइड थोड़ा सेक्शन कटा है फ्रेंड्स, इसमें बाहर की साइड सेक्शन कटा हुआ फ्रेंड्स, इसमें एक बाहर की साइड कटा है और एक अंदर की साइड, तो फ्रेंड्स ये आपका डिफरेंस यानी भिन्न आकृति है, आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात कर रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स इसमें एक सर्कल दिया गया है, इसके आगे एक छोटा सर्कल, इसके आगे एक और छोटा सर्कल, फ्रेंड्स 2 नंबर में स्क्वायर, उसके आगे एक छोटा स्क्वायर, उसके आगे एक और छोटा स्क्वायर, फ्रेंड्स 3 नंबर में एक ट्राइंगल, इधर एक और ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल, दोस्तों 4 नंबर में एक बड़ा 5 एंगल, एक उसके आगे एक छोटा 5 एंगल, और उसके आगे एक और छोटा 5 एंगल, तो फ्रेंड्स इसमें आपको दिखाया गया है ये पहले बड़ा, उसके आगे उस छोटा, उसके आगे उससे छोटा, फ्रेंड्स ये लेफ्ट साइड में बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, और ऐसे ही इसमें, और ऐसे ही इसमें फ्रेंड्स 3 नंबर में आपको राइट साइड में आपका डिफरेंस फिगर, ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब बात करें 15 नंबर क्वेश्चन में, तो फ्रेंड्स सर्कल के इस एरिया में आपको व्हाइट दिखाया गया, और इस एरिया में आपको शेडो दिखाया गया, और ऐसे ही फ्रेंड्स दूसरे में भी शेडो दिखाया गया है, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज आपने गौर किया होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा इधर बढ़ा है, थोड़ा इधर, फ्रेंड्स एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इसमें ही शेडो दिखाया गया, और फ्रेंड्स ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, तो फ्रेंड्स इसमें आपको एक स्क्वायर दिखाया है, स्क्वायर के अंदर एक हेक्सागोनल दिखाया गया है, और फ्रेंड्स इसमें हेक्सागोनल के अंदर एक स्क्वायर है, और फ्रेंड्स इसमें 5 एंगल के अंदर एक ट्राइंगल है, इसमें फ्रेंड्स 5 एंगल में हेक्सागोनल, तो फ्रेंड्स लगभग इस क्वेश्चन में हमने देखा कि स्क्वायर यानी 4 एंगल के अंदर 6 एंगल, या फ्रेंड्स 4 एंगल 6 एंगल के अंदर 4 एंगल, उसमें फ्रेंड्स 5 एंगल के अंदर 3 एंगल, फ्रेंड्स इस वाले में 5 के अंदर 6, यानी इन सभी में जो आपको दिखाया गया है लगभग 2 एंगल का डिफरेंस दिखाया गया, तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, फ्रेंड्स इसमें आपको एक स्क्वायर दिखाया गया है, इसमें चार, जो कि चार साइड से मिलकर बना है फ्रेंड्स, ये भी चार साइड से ही मिलकर बना है, फ्रेंड्स ये वाला ट्रायंगल यानी 3 साइड से मिलकर बना है, और फ्रेंड्स इसमें स्क्वायर यानी 4 साइड से ही मिलकर बना है, तो फ्रेंड्स आपका 3 नंबर इसमें डिफरेंस यानी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन में आपको एक ऊपर की साइड एरो है, एक नीचे की साइड एरो है, फ्रेंड्स इसमें एक लेफ्ट साइड में एरो है, राइट साइड में एरो है, फ्रेंड्स इसमें भी ऊपर की तरफ एरो है, नीचे की तरफ, फ्रेंड्स इसमें दोनों ही राइट साइड में एरो दिखाए गए, तो आपका डिफरेंस ये हो जाएगा आपका आंसर। फ्रेंड्स बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन में ट्रायंगल के अंदर ये लाइन दी गई है, क्योंकि तो लाइन के एक सेंटर से बीच में एक लाइन है, फ्रेंड्स इसमें एक लाइन दी गई है, उसमें एक ट्राइंगल है जो कि ऊपर की तरफ लाइन है, बीच में से एक लाइन है,
इस ट्राइंगल के अंदर भी दो ऐसे लाइन दी गई है और उसमें एक लाइन उसके जस्ट बीच में से। और ऐसा ही फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि ये वाला डिफरेंस में ऊपर की तरफ से दिखा गया है फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स में ट्राइंगल में अंदर की साइड एक लाइन है और ऐसा ही इसमें भी अंदर की साइड लाइन है, इसमें बाहर की साइड और इसमें भी अंदर की साइड लाइन है। तो फ्रेंड्स इसमें आपने देखा ये लाइन जो है इसके डायरेक्शन में मुड़ी हुई है, ऊपर को जा रही है, और इसमें भी फ्रेंड्स ये भी ऊपर को जा रही है, और इसमें फ्रेंड इसकी ही डायरेक्शन में है, और ये वाली फ्रेंड्स इसके अपोज में जा रही है, इसके विपरीत लाइन में जा रही है। फ्रेंड्स ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स आपका ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लेक्चर 3 में स्क्वायर कंप्लीट टाइप क्वेश्चंस, स्क्वायर कंप्लीट शेप क्वेश्चन। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।